हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा वन प्लस नोट 3 5G फ़ोन है, तो वन प्लस नोट 3 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर आप कैसे अपने वन प्लस फ़ोन में आप डाटा नहीं चलने की प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं और नेट नहीं चलने की प्रॉब्लम्स को आप कैसे ठीक कर पाएंगे अपने वन प्लस फ़ोन में। तो आज हम वीडियो बताने वाले हैं कि डाटा नहीं चलने की प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे और कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइकन शो हो रहे हैं जिसमें से आपको स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही और आइकन्स ओपन हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे जिसके ज़रिए आप डाटा नहीं चलने की प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं और कर पाएंगे अपने फ़ोन में, जिसमें से आपके पास ऑप्शन आता है, देख सकते हैं सेटिंग्स का। तो सेटिंग्स पे जाना, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स है ओपन हो जाएगी जिसके ज़रिए आप डाटा नहीं चलने की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और कर पाएंगे अपने फ़ोन में, जिसका आप यूज़ भी कर सकते हैं और कर पाएंगे। सिंपली देख सकते हैं कि जैसे सेटिंग शो हो रही है, आपको उसमें स्लाइड करते हुए एडिशनल सेटिंग्स पे जाना है, फिर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा उसमें रीसेट ऑप्शन, तो बैकअप एंड रीसेट पे जाना है, फिर आपको रीसेट फ़ोन पे चले जाना है। फिर आप रीसेट फ़ोन पे भी जाते हैं तो उस पर जाकर भी डाटा नहीं चलने की प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं और कर पाएंगे अपने फ़ोन में, जिसका यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आप देख सकते हैं कि डाटा नहीं चलने की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली देख सकते हैं कि आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, जिसमें से आपको इस पर जाना है, इस पर जाकर आप डाटा मोबाइल नेटवर्क सेटिंग्स को रीसेट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके और रीसेट करते ही डाटा नेटवर्क सेटिंग्स है रीसेट हो जाएगी, जिसके ज़रिए डाटा नहीं चलने की प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर पाएंगे और ठीक कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू, वीडियो अच्छी लगी तो